अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, और आपकी फैमिली भी बढ़िया होगी, अच्छी से होगी, और आप लोगों के रोज़े भी अच्छे से कट रहे होंगे, आई होप सो। और यहाँ पे अभी हम ऑर्चर्ड में हैं, स्प्रे कर रहे हैं, जो फोर्थ वाला स्प्रे है वहाँ पे हो रहा है अभी। फोर्थ वाला स्प्रे अभी हम कर रहे हैं हेक्साकोनाज़ोल, और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूँगा, जो कि पेटल फॉल जब होता है उसके बाद वो स्प्रे किया जाता है फोर्थ स्प्रे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा कि फ्रूट सेट क्या है। देखो ये रहे यहाँ पे फ्रूट्स हमारे इस एप्पल ऑर्चर्ड में। काफी बढ़िया है फ्रूट सेट, बहुत ही बढ़िया है। इस साल जो वेदर था उसने भी बढ़िया, मतलब वो रोल अपना अदा किया। इस बारी कोई बारिश नहीं हुई, बस गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतनी भी नहीं होनी चाहिए, बट ठीक ठाक गर्मी होनी चाहिए इस वाले सीज़न में, क्योंकि ये जो मतलब ब्लॉसम्स हो रहा है इस वाले सीज़न में, पेटल फॉल एट्सेट्रा, फ्रूट सेट जो भी होता है वो इसी मतलब सीज़न में होता है। तो इस साल जो मौसम था काफ़ी बढ़िया था, बढ़िया देखने को मिला, और फ्रूट सेट भी काफ़ी बढ़िया है। हर किसी के एप्पल ऑर्चर्ड में फ्रूट सेट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। आज दोपहर 12-1 बजे के करीब आई वॉज सर्फिंग एन इंटरनेट एंड आई लुक देयर के देर वॉज एन एडवाइजरी, जो कि सोनम लोटा जो वेदरमैन है उसी ने वो एडवाइजरी दी थी। एडवाइजरी क्या थी? दैट वॉज अबाउट वेदर के प्रेडिक्शन है सामने, लाइट टू मॉडरेट रेन ऑन 13 एंड 14 था अप्रैल 2022। तो जो फार्मर्स है उनके लिए यही एडवाइजरी है कि वो अपने एप्पल ऑर्चर्ड जो भी है उनको वो फ़िलहाल इरिग्रेशन सिस्टम जो हमें मतलब हम यहाँ पे पानी लगाते थे, पेड़ों को पानी देते थे, वो बंद करना है फ़िलहाल, क्योंकि आगे प्रेडिक्शन है। तो उसी उसमें ये भी लिखा था कि स्प्रे जो है वो आप फ़िलहाल बंद करिए, बट हमें ये दिमाग में रखना है कि अगर हम स्प्रे नहीं करेंगे मतलब उससे पहले, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि पहले हम स्प्रे करेंगे, तो उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे जूम नहीं हो रहा है फ़िलहाल, ये ब्लर आ रहा है। लेट मी ट्राई, ये देखो यहाँ पे। वीडियो के शुरुआत में आई थिंक मैंने बोला था कि हम हेक्साकोनाज़ोल जो है स्प्रे कर रहे हैं, बट सॉरी आई वाज रॉन्ग, दिस टाइम आई एम स्प्रेइंग डेफाकोनाज़ोल, राइट। हम अभी डेफाकोनाज़ोल यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं सो दैट फ्रूट सेट भी अच्छा सा रहे और स्केप का अटैक ना हो आगे प्रेडिक्शन की वजह से एक्स्ट्रा। इसीलिए हमें ये स्प्रे सेलेक्ट किया कि हम यही स्प्रे करेंगे अपने एप्पल ऑर्चर्ड में। इससे पहले भी मैंने अपने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, उस टाइम हम स्प्रे कर रहे थे वो प्रोजिप जो कि एक पीजीआर होता है वो हम उस टाइम स्प्रे कर रहे थे, और साथ में हम वो पॉलिनेशन भी लगा रहे थे, मतलब कि दूसरे वैरायटी के जो फूल होते हैं फ्लावर ब्लॉसम्स वो उतार के वहाँ से इस वाले पेड़ पे रखने पड़ते हैं, या डेलिशियस कुल्लू डेलिशियस इस पे रखने पड़ते हैं, सो दैट कि पॉलिनेशन भी अच्छा हो रहा है। अगर वो आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो कुछ करना कुछ नहीं है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो आप वीडियो देख सकते हो अच्छे से।
फ्रूट सेट काफ़ी बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत ही बढ़िया फ्रूट सेट है। अब अल्लाह से यही दुआ है कि या अल्लाह की ये जो फ्रूट सेट है काफ़ी मतलब इसको अच्छे से हिफाजत करके रखना है फ़िलहाल, और मौसम में जो तब्दीली आने वाली है वो भी मतलब रहमत वाली ही तब्दीली आ जाए, कुछ नुकसान एक्स्ट्रा ना हो। Just some minutes before, this tree was sprayed with difenoconazole. वाह, ये देखो कितने अच्छे फूल हैं, इन पे भी डेफेकनाज़ोल का स्प्रे हो गया है, देखो। वाह, इट लुक्स ब्यूटीफुल। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, ले चलते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और साथ में अपने अपने दोस्तों को तक ये वीडियो पहुंचानी है, वीडियो को शेयर करना है और क्या करना है, हाँ याद आ गया, और सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।